देखो एक बार ना हम एटॉमिक साइज से वापस दोबारा से देखते हैं। जो एटॉमिक साइज था उसके लिए हमने क्या पढ़ा था, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, और अलोंग द पीरियड डिक्रीज कर रहा था। रीजन क्या था, डाउनवर्ड के लिए रीजन था नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, और डिक्रीज जो कर रहा था अलॉन्ग द पीरियड क्यों, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा था, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस सो शेल श्रिंक्स। ये था एटॉमिक साइज है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी नहीं बता रहा हूँ, जहां से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शुरू होती है वहीं से बता। सेकेंड हमारे पास क्या था इसमें, मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा था, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा था। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा था, क्योंकि कह सकते हम साइज बढ़ गया था ना। रीजन क्या था इसमें, साइज इंक्रीज कर रहा था डाउन द ग्रुप। अलोंग द पीरियड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। क्यों डिक्रीज कर रहा था, सेम क्योंकि साइज क्या था, डिक्रीज हो रहा था, साइज डिक्रीज। जब साइज डिक्रीज होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस बात है डिक्रीज कर जाएगा। मेटेलिक कैरेक्टर को ही हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर भी कहते हैं। थर्ड था हमारे पास नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। जिसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर भी कहते हैं। ये जनरली क्या होता है, नॉन मेटल्स के लिए देखा जाता है। ठीक है, तो इस तरफ आते वक्त नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, और डाउन द ग्रुप क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। क्यों, क्योंकि इस तरफ जाते वक्त साइज क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था इसलिए, और डाउन द ग्रुप क्या हो रहा था, साइज इंक्रीज कर रहा था। यानी कि सारा का सारा किस पे रह गया, खेला हो गया पूरा साइज के ऊपर। तो ये तीन चीजें तुम्हें समझ में आई होंगी। इसमें एक और प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई यानी कि एटम की जो रेडियस होती है, ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगी, एटॉमिक साइज पे डिपेंड करेगी। तो एटॉमिक रेडियाई में क्या होता है, इस तरफ जाते वक्त एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज करेगी क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा है, और नीचे आते वक्त क्या करेगी, ये इंक्रीज करेगी एटॉमिक रेडियाई। रीजन वही है, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इस तरफ डिक्रीज कर रहा है, और डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। ठीक, तो ये मैंने जो सारी सारी प्रॉपर्टी बताई, या तो ये एटॉमिक साइज की प्रॉपर्टी है, या एटॉमिक साइज पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टीज तुम्हें क्लियर होंगी तब हम जाके कहीं अगली वाली प्रॉपर्टी देख पाएंगे। बेसिकली मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट होगा। देखो नीचे की तरफ मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा। इस तरफ मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकलेगा। ठीक है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये ऊपर जो है ज़्यादा अच्छे नॉन मेटल है, यानी कि ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ईजिली इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। और इस साइड जो एलिमेंट होंगे पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट साइड में, वो जनरली मेटल्स होते हैं, ये नॉन मेटल्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। अगर
अगर बढ़ जाएगी तो वो उतना ही अच्छा क्या होगा, नॉन मेटल होगा।